हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप ब्लॉग में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे घर लगने वाली है एसी, और रात में जब एसी आई है ना तो पापा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब उनको एक खुशी हो रही थी कि अभी गाँव में किसी के घर लगी नहीं है और अपने घर एसी लग रही है। मतलब एक अलग ही प्राउड फील हो रहा था उनको। तो आज हमारे यहाँ एसी लगने वाली है और देखते हैं कुकिंग में क्या, लंच में क्या बनता है। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मार्केट को कोई जा नहीं रहा है, तो डर की वजह से कोई मार्केट नहीं जा रहा है। देखते हैं, पालक शायद कल सब्जी जो देने वाला आया तो शायद पालक नहीं गई, तो पालक की सब्जी बने। मैं पानी पी रही हूँ गुड़ खा के। सुबह 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 आदत है पानी पीने की, आप लोगों को भी पीने चाहिए। कल मेहंदी लगाए थे, आज देखो छूट भी गई। ये तुरंत वाली होती है, तुरंत छूट जाते हैं। एक गिलास पानी सुबह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं पीते हो तो पीना स्टार्ट कर दो। चलो पालक की सब्जी बनेगी तो हम पालक काट लेते हैं, इसके बाद लगा देंगे। हमारे यहाँ जो एसी लग रही है, सुबह सुबह ही आ गए लगाने वाले। अलग खाओगे तो इतनी जल्दी सुबह होती ही नहीं, यहाँ लोग जल्दी जग जाते हैं। गांव में होता है, गांव का तो यही है ना कि लोग जल्दी जग जाते हैं तो सुबह जल्दी हो जाती है। चलिए, तो ये रही हमारी एसी। पता है भाभी को, पापा को, सबको मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब क्या ही बोलूँ। तो वैसे तो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग हुई थी पूरा लगाते टाइम, बट मैंने वो सारी क्लिप दिखाई नहीं, उससे डिलीट कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर एसी लगाना थोड़ी ना सिखा रही हूँ, बस हमारे यहाँ एसी लग रही है, हम आप लोगों को यही दिखा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी, हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि है ना, मतलब आप सोच लीजिए, गांव में ये सारी चीज़ें जल्दी होती नहीं है, बट ठीक है, गॉड जी ने हमें उस काबिल बनाया, तो हमने हमारे परिवार वालों के लिए किया है सब। तो यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ, पालक काटना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी हुई है ना, तो क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रही थी, सब कुछ आपको हिलता डुलता दिख रहा है। यहाँ पर चाय भी आ गई हमारी, और अभी मैं आलू काट रही हूँ, पालक काट रही हूँ। इन सबको फिर से अच्छे से धुलना होगा, क्योंकि जब भी आप बनाने लगो तो अगर नहीं धुलो ना, तो गाँव में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ होती है, आप देख लीजिए, सब आलू पे बैठ रही है, पालक पे बैठ रही है। कुछ भी कर लो, फिनाइल डाल के पोछा लगा लो, या फिर चाहे जो डाल के, लेकिन ये मक्खियाँ गांव में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम होती है। सो अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, बनाने नहीं उबालने जा रहे हैं। सुबह इसमें आलू उबाली गई थी कुकर में, और इसी का कुकर में हम जो है आलू पालक भाभी उबाल रही हैं। और जैसे ये उबल जाए तब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, भाभी इसको चढ़ा दी हैं उबलने के लिए। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर 4 टमाटर, 4 प्याज, इतना लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये सब कुछ लिया गया है। और इसको अच्छे से धुल लेना है, धुल के आपको काट लेना है इन सबको। तो ये देखिए, सब काट के रख लिया गया है, जैसे अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज। और पालक की सब्ज़ी में ना आपको अदरक ज़रूर डालनी चाहिए, इससे प्याज, इससे जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर भाभी सब्जी बना रही है, मैं कुछ और काम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, अभी तो वॉइस ओवर करते टाइम याद नहीं आ रहा है। सो कढ़ाई रख दी है हमने गरम होने के लिए। तड़का के लिए आपको जीरा और हींग की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपकी कढ़ाई गरम हो जाए, आपको इसमें डाल देना है तेल, सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए, तो आपको इसमें डाल देना है जीरा और हींग। तो आप देख ही सकते हो, तेल थोड़ा सा पतला हो गया, यानी तेल गरम हो गया है। तो सबसे पहले इसमें हींग डाल दी गई, इसके बाद अब डाल देना है जीरा। इसके बाद आपको जो आपने कट करके रखे हैं, जैसे लहसुन, मिर्चा, अदरक, प्याज, ये सब डाल देना है। सबसे पहले लहसुन डाल दिया जा रहा है, इसके बाद अदरक का टुकड़ा, फिर आपको प्याज डालनी है।
काफ़ी सिंपल है सब्जी। पता है पालक की सब्जी कई तरीके से बनती है। आप चाहें तो पालक ऐसे धुल के पीस के बना सकते हैं, आप चाहें तो पालक उबाल के बना सकते हैं, आप चाहें तो पालक ऐसे ही काट के बना सकते हैं। तो पीसने वाली नहीं बताई हुई है। बाकी एक और तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। अब यहाँ पर मसाला तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, ये सब कुछ आपको डालना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कौन सा मसाला खाना पसंद करते हो। थोड़ा सा आपको लाल मिर्च डाल देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब जैसे ही आपकी प्याज टमाटर ये सब अच्छे से पक जाए, तब आपको इसमें डालना है सब घोला हुआ जो आपने मसाला बनाया हुआ है। ओके बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो इग्नोर करना, पंखा चल रहा है वॉइस ओवर करते टाइम। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो, आपको डाल देना जो आपने मसाला मिक्स करके रखा हुआ है। इसको अच्छे से चलाना है। अब आपको इसमें टमाटर डाल देना, जो आपने कटे हुए टमाटर लिए हुए हैं उसको डाल देना है। थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए जल्दी। आप चाहें ना तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपने पालक और आलू तो ऑलरेडी उबाल ही ली हुई है, उसको डाल देना है अच्छे से। और ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे आप चाट खा रहे हो, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक बार बनाना और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है सब्ज़ी। तो बस आपको डाल देना है पालक और आलू जो आपने उबाली हुई है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके आपको नमक डाल देना है और नमक डाल के कुछ देर आपको पकाना है। बाकी आपकी सब्जी ऑलरेडी पकी हुई है क्योंकि मसाला पका ही है और आपने प्याज और आलू उबाला ही हुआ है, तो आपकी सब्जी बस बन के तैयार है। जैसे ही आप नमक डालते हो, थोड़ी देर आपको पकाना है, इसके बाद सब्जी ढक देनी है। तो यहाँ पर आज भाभी रोटी सेक रही है, हम बेल रहे हैं। ये देखिए आप, पता नहीं क्यों आज वॉइस ओवर करते टाइम बहुत ज़्यादा जम्हाई आ रही है मुझे। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 2, हम लोग करने जा रहे हैं लंच। और भाभी आवा नमकवा प्लस। तो चलो हम लोग लंच कर लेते हैं। आप लोगों ने देख लिया हमारे यहाँ क्या बना हुआ है। ये है छाछ घर की। चलो यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो सबने लंच कर लिया, बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो आप लोग बोलते हो दी आप पे प्लीज़ ऐड कर दिया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो हमने झाड़ू लगा रही है यहाँ पर, हम झाड़ू लगा रहे हैं झाड़ू पोछा। तो हमने सोचा चलो ठीक है यार, सही बोल रहे हो, तो हम ऐड कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गैस पोछ रहे हैं। गैस पोछने के लिए देखिए दूसरा बर्तन, लेकिन इस दूसरा कपड़ा है, लेकिन स्पीड मोड हम इतना कर देते हैं ना, स्पीड ये फास्ट फॉरवर्ड की आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो वैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं किचन के लिए, जल्दी ही मिल जाएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम शाम के बज गए हैं 4 और मैं सो रही हूँ तैयार होने। हम लोगों का एक है कि डेली शाम को कुछ ना कुछ तैयार होना पड़ता है। आपको शुरू से लिए जब मैं यहाँ पर रह रही थी तब से, बट ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही थी, बट आज मेरे मन में आया कि मुझे दिखाना चाहिए आप सभी को। तो चलो फटाफट से हम सबसे पहले लगा लेते हैं टोनर। सोनर हो गया। इसके बाद मैंने चूड़ी चेंज कर ली, अभी इसमें मैं कंगन लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी जरूर। तो ये चूड़ी ना जल्दी खराब नहीं होगी, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा चूड़ा खराब ना हो जाए। तो इसके लिए मैं ये चूड़ी ली हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक है वाओ स्किन साइंस का हाइलोरोनिक एसिड वाटर जेल। इसमें आपको ना हाइलोरोनिक एसिड मिल जाता है जो कि स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। हाइलोरोनिक एसिड के बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बात की हुई है मेरे मेन चैनल प्रियादीप पे। और इसमें आपको विटामिन B5 and E मिल जाता है। डीपली हाइड्रेटिंग टोनिंग एंड रिवाइटलाइजिंग, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो कलर, नो मिनरल ऑयल, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्म पहुंचाए। वॉइस स्किन साइंस जाना माना ब्रांड है और ये वाटर जेल है तो समर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। जैसे हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, वैसे हमारी स्किन को भी हाइलुरोनिक एसिड की नीड होती है। एक्चुअली हमारी स्किन में ना
पहले से ही मौजूद होता है, बट ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एज, आफ्टर 20 स्किन से डिप्लीट होने लगता है। तो जब हमें नहीं मिलता है नेचुरली तो हमें टॉपिकली लेना पड़ता है, बट हाँ हाइलुरोनिक एसिड मस्ट है स्किन केयर में। तो कुछ इस तरीके से इसमें लगा है, इसको निकालना है, इसके बाद आपको प्रेस करना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल पानी की तरह है, देख रहे हो। तो इसे मैं थोड़ा सा लगा दे रही हूँ, इससे हमारा फेस लंबे टाइम तक हाइड्रेट रहेगा। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो इतना ज्यादा मजेदार ब्लॉग है। इस ब्लॉग का मैं एंड करूंगी क्योंकि अब मैं अपना शाम से स्टार्ट करूंगी। ये ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, आई थिंक कुछ तो 25 मिनट का तो हो ही गया है ना। तो पूरा लुक आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। इसको मैंने लगा लिया, इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, सो आप लिंक के थ्रू जाइए। बैकग्राउंड में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो इग्नोर करना। वाह, ओके हो गया। अब चलो मैं बाल बनाती हूँ। आप पहले और अभी मैं खुद ही अंदर देख लीजिए, इसकी कितनी ज्यादा फ्रेश फ्रेश लग रही है मेरी, ये देखिए। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव।